हेलो स्टूडेंट्स, चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 1 का फोर्थ पार्ट, फिफ्थ पार्ट और सिक्स पार्ट इसी वीडियो में हम कवर अप करेंगे। जो फर्स्ट सेकंड थर्ड पार्ट था वो मैंने प्रीवियस वीडियो में सोल्व किया था, आप वहां से जाके उसको देख सकते हैं। इस क्वेश्चन में करना क्या है, हमें दो इक्वेशंस गिवन होंगी, लीनियर इक्वेशंस, वहाँ से हमने वेरिएबल्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। अब सब्स्टिट्यूशन मेथड होता क्या है वो आप एक बार प्रीवियस वीडियो देखिए, वहाँ पे आपको क्लियर हो जाएगा। वैसे मैं थोड़ा सा यहाँ पे भी बता देता हूँ, सब्स्टिट्यूशन मेथड का मतलब होता है बेटा किसी एक इक्वेशन से किसी एक वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट करके किसी दूसरे में पुट करना। उससे हमने जो हमारे वेरिएबल्स हैं एक्स वाई हों पी के हों जो भी वेरिएबल होंगे उनकी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं बेटा हमारा क्या है। क्वेश्चन नंबर 4 है, इक्वेशंस जो गिवन है 0.2x प्लस 0.3y इक्वल टू 1.3 और सेकंड जो इक्वेशन गिवन है वो क्या है 0.4x प्लस 0.5y इक्वल टू 2.3। यहाँ पे जो वैल्यूज हैं हमें डेसिमल में गिवन है, इनको क्या करेंगे हम डेसिमल को रिमूव कर लेंगे। पॉइंट के बाद कितनी इंटीजर वैल्यू है, वन वैल्यू है, तो इसको क्या करेंगे पॉइंट को रिमूव करेंगे तो अपॉन में क्या आ जाएगा बेटा 10। सेम एयर यहाँ पे भी क्या आ जाएगा 10 और सेम एयर यहाँ पे भी क्या आ जाएगा 10। 10 से 10 कैंसिल आउट हो जाएगा तो जो इक्वेशन आई वो क्या आ गई हमारी 2x प्लस 3y इक्वल टू 13। इसको मान लेंगे इक्वेशन नंबर 1। यहाँ पे भी सेम एयर करेंगे, पॉइंट को रिमूव किया तो पॉइंट के बाद 1 इंटीजर वैल्यू है तो 10। यहाँ पे भी क्या होगा पॉइंट को रिमूव किया तो 10 और सेम एयर यहाँ पे भी पॉइंट को रिमूव किया तो 10। 10 से 10 कैंसिल आउट तो यहाँ पे जो वैल्यू आई है इक्वेशन आई है वो क्या आ गई 4x प्लस 5y इज इक्वल टू 23। मैं यहाँ पे आपको एक बात बता देता हूँ कि यहाँ पे कुछ बच्चे सोचेंगे कि बीच में पॉजिटिव साइन है तो 10 कैंसिल आउट कैसे हो गया, वो देखते हैं बेटा कैसे हुआ। इन दोनों इक्वेशन से हम 1/10 कॉमन ले सकते हैं, जैसे 1/10 कॉमन लिया अंदर क्या बच गया 4x प्लस 5y, इधर क्या बच गया 23/10। अब 10 से 10 कैंसिल आउट हुआ है, इस तरीके से हमने कैंसिल आउट किया है। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। ये आ गई हमारी इक्वेशन नंबर 2। अब क्या करना है, इक्वेशन 1 या 2 से हमें किसी एक वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। चलिए फर्स्ट से हम x की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। 2x इज इक्वल टू 13, 3y को राइट हैंड साइड लेके गए तो माइनस 3y, x इज इक्वल टू क्या आ गया बेटा 13 माइनस 3y बाई 2। x की वैल्यू आ गई, इसको क्या करेंगे इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर देंगे। इसको मान लिया इक्वेशन नंबर 3, पुट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2, एक x की या y की वैल्यू को क्या करेंगे दूसरी इक्वेशन में पुट कर देंगे। तो यहाँ पे पुट करते हैं बेटा 4 इंटू x की वैल्यू क्या है 13 माइनस 3y बाय 2 प्लस 5y इज इक्वल टू 23। 2 से यहाँ पे डिवाइड किया तो क्या आ गया 2, 2 की मल्टीप्लाई की 13 से, 13 2 जा 26 माइनस 2 3 जा 6y प्लस 5y इज इक्वल टू 23। यहाँ पे देखते हैं बेटा 26 माइनस 6y है प्लस 5y, नेगेटिव वैल्यू लार्जर है तो नेगेटिव साइन आएगा, 6 में से 5 गया तो क्या आ गया y इज इक्वल टू 23। y को क्या करेंगे राइट हैंड साइड, 23 को लेफ्ट हैंड साइड, 26 माइनस 23 इज इक्वल टू माइनस y को राइट हैंड साइड ले गए तो पॉजिटिव, 26 में से 23 गया तो 3 इज इक्वल टू y की वैल्यू हमने यहाँ पे फाइंड आउट कर ली। अब क्या करेंगे पुट वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 3। आप यहाँ को से y की वैल्यू को इक्वेशन 1 भी पुट करके x की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो। तो यहाँ पे हमने इक्वेशन 3 में पुट किया तो x इज इक्वल टू क्या है बेटा 13 माइनस 3y बाई 2 है, यहाँ पे y इज इक्वल टू क्या पुट करेंगे 3, y इज इक्वल टू क्या पुट करेंगे 3 पुट करेंगे तो x इज इक्वल टू क्या आ गया 13 माइनस 3 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 2। तो यहाँ पे वैल्यू क्या आई 13 माइनस 3 3 जा 9 बाई 2, 13 में से 9 गया बेटा कितना आ गया हमारा 4 बाई 2, 2 से डिवाइड किया तो कितनी वैल्यू आ गई 2। तो हमने जो वैल्यूज फाइंड आउट की हैं वो क्या आई है हमारी x इक्वल टू 2 आ गया और y इक्वल टू क्या आ गया 3। दिस इज द सॉल्यूशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। आई होप ये आपको क्लियर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5।
अगर आपको क्वेश्चन में कहीं पे भी डाउट हो तो बेटा मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिए, अदरवाइज इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। चलिए बेटा क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं हमारा। यहाँ पे क्या है, इक्वेशन जो फर्स्ट गिवन है वो क्या है, रूट टू एक्स प्लस रूट थ्री वाई इक्वल टू जीरो, इक्वेशन नंबर 1। और जो नेक्स्ट इक्वेशन गिवन है वो क्या है, रूट थ्री एक्स माइनस रूट एट वाई इक्वल टू जीरो, ये है हमारे पास इक्वेशन नंबर 2। ये दो इक्वेशंस गिवन है। यहाँ पे क्या करेंगे, हम किसी एक वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे, नेगेटिव वाले में से फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, रूट थ्री एक्स इक्वल टू माइनस वाली टर्म राइट हैंड साइड जाएगी तो पॉजिटिव हो जाएगी रूट एट वाई, और एक्स इज इक्वल टू क्या आ गया बेटा, अंडर रूट एट बाय अंडर रूट थ्री वाई। आई होप ये क्लियर है। यहाँ पे इक्वेशन नंबर क्या मान लेंगे, 3। क्या कर देंगे, पुट वैल्यू ऑफ एक्स इन इक्वेशन 1। यहाँ पे क्या करेंगे बेटा, इक्वेशन नंबर 1 में एक्स की वैल्यू को पुट कर देंगे। तो देखेंगे यहाँ पे क्या आ गया, रूट टू इंटू एक्स की जगह क्या पुट करेंगे, रूट एट वाई बाय रूट थ्री प्लस रूट थ्री वाई इक्वल टू जीरो। आई होप ये क्लियर है। यहाँ पे देखेंगे बेटा क्या होगा, 8 और 2 मल्टीप्लाई की रूट एट और रूट टू की, तो 8 टू जा 16, अंडर रूट 16 का रूट कितना होता है 4, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 4y बाय रूट थ्री प्लस रूट थ्री इंटू वाई इक्वल टू जीरो। ये आपको पता लग गया होगा रूट एट और रूट टू की मल्टीप्लाई की तो कैसे, देखो इधर रूट एट मल्टीप्लाई रूट टू, दोनों पे रूट है तो 8 की 2 से मल्टीप्लाई की तो 8 टू जा 16, तो रूट 16 का रूट कितना होता है बेटा 4, तो यहाँ पे इसलिए 4 आ गया। यहाँ से कॉमन क्या आ गया, वाई, अंदर क्या बच गया, 4 बाय रूट थ्री प्लस रूट थ्री इक्वल टू जीरो। अब इसको फाइंड आउट करेंगे, वाई मल्टीप्लाई में ये वैल्यू है, इधर जाएगी तो डिवाइड में, जीरो के डिवाइड में कोई भी वैल्यू होगी तो आंसर क्या आएगा, जीरो। तो वाई इज इक्वल टू क्या आ गया यहाँ पे, जीरो। देखो बेटा एक बार दोबारा, वाई मल्टीप्लाई में है ये वैल्यू, इधर जाएगी राइट हैंड साइड तो डिवाइड में जाएगी तो क्या आ गया, जीरो अपॉन दिस वैल्यू, तो जीरो अपॉन दिस होगा तो किसी भी वैल्यू के अपॉन में डिनोमिनेटर में न्यूमरेटर में जीरो हो तो वैल्यू क्या आ जाती है उसकी, जीरो। तो यहाँ पे वाई की वैल्यू क्या गेट कर ली हमने, जीरो। अब इसको क्या करेंगे, पुट इन इक्वेशन 3, पुट इन इक्वेशन 3, वाई की वैल्यू को 3 में पुट करेंगे तो एक्स इज इक्वल टू क्या था, रूट एट इंटू जीरो बाय रूट थ्री, वाई की वैल्यू जीरो पुट कर दी, जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, जीरो। तो हमारा जो सॉल्यूशन आया है एक्स इक्वल टू जीरो आ गया, वाई इक्वल टू जीरो। यहाँ पे मैं एक बात आपको दोबारा बताना चाहूँगा, अगर मान लिया न्यूमरेटर में जीरो है, यहाँ पे मान लिया जीरो है, अपॉन में कोई भी वैल्यू है तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, जीरो। अगर बेटा डिनोमिनेटर में जीरो हो, जैसे वैल्यू कोई भी हो सकती है, डिनोमिनेटर में जीरो, तो इसकी वैल्यू आएगी इन्फिनिटी, मतलब नॉट डिफाइंड, हम डिवाइड इसको नहीं कर सकते। जीरो से किसी की मल्टीप्लाई करेंगे तब भी क्या आएगा, जीरो। मान लिया कोई भी वैल्यू मल्टीप्लाई जीरो करेंगे तो तब भी आंसर क्या आएगा, जीरो। ये आपके बड़ी काम की चीज़ है। आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर होगा। चलिए इसका लास्ट पार्ट देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। 6th पार्ट जो है, 3 बाय 2x माइनस 5 बाय 3y इक्वल टू माइनस 2। सेकेंड इक्वेशन क्या है, x बाय 3 प्लस वाई बाय 2 इज इक्वल टू 13 बाय 6। यहाँ पे क्या करेंगे, इनको पहले क्या करेंगे, एलसीएम ले लेते हैं बेटा इनका। एलसीएम लिया तो यहाँ पे 2 और 3 का एलसीएम कितना आ गया, 6। 2 3 जा 6, 3 3 जा 9x माइनस 3 2 जा 6, 5 टू जा 10y इक्वल टू माइनस 2। इसके अपॉन में 1 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 6 की मल्टीप्लाई इधर, तो इक्वेशन जो आ गई 9x माइनस 10y इक्वल टू माइनस का 12। ये आ गई हमारी इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं इसको। सेम एयर करेंगे, एलसीएम लिया कितना, 6, 3 2 जा 6 2x प्लस 2 3 जा 6 3y इक्वल टू 13 बाय 6। 6 से 6 कैंसिल आउट, तो यहाँ पे इक्वेशन जो आ गई वो क्या आ गई, 2x प्लस 3y इक्वल टू 13। ये आ गया हमारे पास इक्वेशन नंबर 2। यहाँ से किसी भी वैल्यू से, किसी भी इक्वेशन से एक्स की वैल्यू या वाई की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। चलिए यहाँ से एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं।
9x इज इक्वल टू क्या होगा माइनस 12 प्लस 10y, और x इज इक्वल टू क्या आ गया बेटा माइनस 12 प्लस 10y डिवाइडेड बाय 9। ये इक्वेशन नंबर आ गई हमारी 3। तो क्या लिखेंगे, पुट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2। तो यहाँ पे पुट करेंगे 2 इंटू माइनस का 12 प्लस 10y डिवाइडेड बाय 9 प्लस 3y इज इक्वल टू 13। 2 से अंदर मल्टीप्लाई की बेटा, 2 की और माइनस 12 की करेंगे तो माइनस का 24 प्लस 10 की 2 की मल्टीप्लाई की तो 20y डिवाइडेड बाय 9 प्लस 3y इक्वल टू 13। अब क्या करना पड़ेगा, एलसीएम लेना पड़ेगा, तो इसके अपोन में क्या मान लेंगे 1। अब यहाँ पे एलसीएम कितना आ गया हमारा 9, तो यहाँ पे वैल्यू क्या आ गया माइनस का 24 प्लस में 20y प्लस 19 जा 9, 9 3 जा 27y इज इक्वल टू 13/1। क्रॉस मल्टीप्लाई होगी इसकी, इसको देखेंगे यहाँ पे माइनस का 24 प्लस 20 और 27 कितना हो गया बेटा 47y इज इक्वल टू 13 की 9 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 13 9 जा 117। यहाँ पे 47y इज इक्वल टू 117 माइनस 24 को राइट हैंड साइड लेके गए तो प्लस का 24 47y इज इक्वल टू 117 और 24 कितना हो गया बेटा 471, और y की वैल्यू क्या गेट कर ली हमने 141/47 डिवाइड किया तो कितना आ गया 73। तो y की वैल्यू क्या आ गई हमारी यहाँ पे 3। y इज इक्वल टू 3 है, पुट इन इक्वेशन 3। y की वैल्यू को 3 को क्या करेंगे इक्वेशन नंबर 3 में पुट कर देंगे, तो x की वैल्यू हम यहाँ पे फाइंड आउट कर लेंगे माइनस 12 प्लस 10 मल्टीप्लाई 3 बाय 9। तो x इज इक्वल टू क्या आ गया बेटा माइनस 12 प्लस 10 3 जा 30 डिवाइडेड बाय 9, 30 में से 12 गया तो 18 बाय 9, 9 2 जा 18। तो x की वैल्यू क्या आ गई बेटा 2, और y की वैल्यू क्या हमने फाइंड आउट की थी 3। दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ आवर इक्वेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। आई होप ये आपको क्लियर होगा, कहीं पे कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिए, अदरवाइज इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स।